विरोध नाराजगी के बीच मंगलवार से महाविद्यालयीन परीक्षाओं की शुरुआत हो गई, लेकिन पहले ही दिन कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ते दिखाई दी। परीक्षा के पहले पर्चे के बाद परिसर में हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने न शारीरिक दूरियों का पालन किया, न ही अधिकतर ने मास्क लगाया। कॉलेज प्रबंधन ने भी नियमों का पालन करना जरूरी समझा। NSUI एवं अन्य छात्रों ने बढ़ते कोविड संक्रमण के बावजूद ऑफलाइन हो रही परीक्षाओं में स्वास्थ्य के लिए खतरे का अंदेशा जताते हुए परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उल्लेखनीय है कि NSUI ने ऑनलाइन या ओपन बुक परीक्षा की मांग की थी। LLB के छात्रों ने काली पट्टी बांध कर परीक्षा दी। छात्रों का कहना था कि कॉलेज प्रबंधन ने बोर्ड पर जरूर नियमों के पालन के निर्देश दिए, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज ऐसा हो रहा है कि कोविड के बढ़ते केसेस हैं, कोविड के कोरोना लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वर्तमान में विधि में भी 4 छात्र कोविड पॉजिटिव आए, और इसी के बीच में हमें बैठकर एग्जाम देनी है। एग्जाम का डर तो बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर हमको कोविड का लग रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि हमारी जान को खतरा बना रहेगा। और मैं दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये बताना चाहूँगा कि हमारे कोर्स भी पूरे नहीं हुए थे, और इन्होंने अचानक से एग्जाम कर, और हमें हमेशा DUE ने कंजमस में रखा, ऑफलाइन या ऑनलाइन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने ऑफलाइन में तो डिक्लेयर रखा, कभी 15 को नोटिस जारी कर रहे हैं, कभी 17 को कर रहे हैं, और आज 18 तक उन्होंने कहा कि 12 बजे तक हम नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं अंजमस में रखा, तो कहीं ना कहीं छात्रों ने पूरी पढ़ाई भी नहीं की। जैसे बीच में आज हम कोविड में बैठते हुए अपनी एग्जाम देंगे, अगर मेरी जान में खतरा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी DVV और वर्तमान सरकार रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ खतवास है, मैं विधि का छात्र हूँ। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के द्वारा समस्त जिलों में LLB, MHW, MSc, MA की एग्जाम हो रही है। इसमें लगभग 4000 से 5000 के छात्र परीक्षा देने आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, एक और परीक्षा दी जा रही है, और साथ में केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महाविद्यालय में शिक्षकों के द्वारा रोको टोको अभियान, मास्क लगाओ अभियान, इसका कोई नहीं हो रहा है। सैनिटाइजर की मशीन बंद है, CM हेल्पलाइन की गई सैनिटाइजर की, 4 बार उसका निराकरण किया गया, लेकिन सैनिटाइजर चालू नहीं हुआ है। यहाँ के मास्टर मास्क नहीं लगा रहे, खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं, उल्टा कोरोना फैला रहे। कोरोना बढ़ाने की दूर की बात है। अब बच्चा अपना भविष्य एग्जाम देकर अपना भविष्य सुधारेगा? बच्चे को कोरोना हो जाएगा, मर जाएगा, तो क्या करेगा भविष्य उस मार्कशीट का? क्या चाहते हैं आप लोग? कोरोना बढ़ रहा है, परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, या फिर ओपन बुक, या फिर ओपन बुक से माध्यम या ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम कराई जाए। यूथ कांग्रेस और NSUI ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई जवाबदारी लेने के लिए तत्पर नहीं है। क्या नाम है आपका? नरेश वर्मा, MA इंग्लिश। अगर लगा लो हमारे यहाँ पर PG कॉलेज खरगोन में लगभग 6 दिवस पहले से ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर प्रदर्शन जारी था, और लगभग अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधियाँ करी गई, और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन को हमारी जायज मांगों को भेजने के कठिन प्रयास किए गए, लेकिन ये सब लोग इतनी मोटी चमड़ी के थे कि इन लोगों ने हमारी सारी बात को नज़रअंदाज कर दो। ऑफलाइन एग्ज़ाम अपने जवाबदारी बिल्कुल न लेते हुए इन्होंने करवाई, और आप देख रहे हैं कि इस कॉलेज के अलावा प्रदेश भर में जहाँ भी एग्ज़ाम हो रही है वहाँ पर कितना क्राउडेड है, और जिस गाइडलाइन कोरोना की गाइडलाइन का ये हवाला दे रहे थे वो गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है। यहाँ पर बच्चे कितनी भीड़ लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग कवर नहीं कर रहे हैं, और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं कितना क्राउडेड एरिया है यहाँ पर। इस बात पर मैं 2 लाइन देना चाहूँगा हम छात्रों के हित में, कि इन्होंने कोई सही निर्णय नहीं लिया है, और इसी को देखते हुए याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, उसकी सुनवाई भी फाइनल हियरिंग आज होने वाली थी, उसका फैसला अभी तक नहीं आया है। तो 2 लाइन में देना चाहता हूँ कि कभी कफन को तरसे, कभी दफन को तरसे, कभी कफन को तरसे, कभी दफन को तरसे, हम फूल थे ऐसी बगिया के, लेकिन हम ही चमन को तरसे। हम छात्रों आज कौन कौन से एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम LLB वगैरह और MA वगैरह सारे सभी लगभग सब्जेक्ट का सभी विषय एग्ज़ाम हो रही है, ज़बरदस्ती लगभग करवाई जा रही है। क्या नाम है आपका? वो लगभग 2 से 3 हज़ार छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज शेख है। किस निर्देश पे आज परीक्षा हो रही है, कौन कौन सी परीक्षाएँ हो रही हैं इसमें, और देखा जा रहा है सर इसमें ना डिस्टेंस का पालन ने पूछे। अब परीक्षाएं विश्वविद्यालय के आदेश से आज दिनांक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में प्रारंभ हुई। सुबह से ही परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, 3 शिफ्ट में परीक्षाएं चल रही हैं।
इसके साथ में हमारे पास में जो है वो पैरामेडिकल की परीक्षाएं और नर्सिंग की एग्जाम्स भी इसके साथ में चल रही है, जो इस महाविद्यालय के नियम पर सेंटर जो है वो शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन है। जहाँ तक कोविड नियमों का सवाल है, कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की गई है और जो भी छात्र हैं उनको निर्देश स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं कि वे बिना मास्क के महाविद्यालय में प्रवेश न करें। और इसलिए हमारी टीम जो है वो दरवाजे के ऊपर शटर के वहाँ पर खड़ी है और वो बराबर इस वो कर रही है कि मास्क और बच्चे सैनिटाइजर का उपयोग नहीं हो रहा सर, सैनिटाइजर मशीन ही बांधे नहीं नहीं सैनिटाइजर व्यक्ति लेकर के वहाँ पर खड़ा है गेट के वहाँ पर, मशीन ऑपरेट नहीं हो रही, उसको सुधारने के लिए जो है कल ही कहा है वो सुधर के आ जाएगी, आज वो हो जाएगा, लेकिन सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है। सर विद्यार्थी का कहना है कि हमने आंदोलन किया, अभी किया, ऑनलाइन परीक्षा की जाए लेकिन ऑफलाइन परीक्षा हो रही है, उसको लेकर विरोध जताया बच्चों ने। छात्रों की तरह NSCI के द्वारा ज्ञापन जरूर दिया गया था आपको, लेकिन ये चूंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसका निर्णय विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करता है, शासन अपने स्तर पर करता है। सर अन्य जिलों में भी हो रही है? हाँ सब जगह, ये DAVB से संबंधित जो महाविद्यालय परीक्षाएं हैं ये जहाँ जहाँ पर भी जो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का क्षेत्र परिक्षेत्र है उस जगह पर सब जगह। क्या नाम सर आपका? हाँ डॉक्टर BD महाजन प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।